हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सब तो ठीक होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने ज़िंदगी में दोस्तों। तो दोस्तों, आज के न्यू वीडियो में आपके छोटे भाई की ओर से हार्दिक दिल से स्वागत है। और दोस्तों, मैं इधर आ गया हूँ खेत के साइड में, तो इधर बहुत सारे औषधि हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ एक महा औषधि जो बहुत काम आने वाले हैं आपके शरीर के लिए। जो किसी प्रकार की भी कमजोरी हो शरीर में, वो ख़त्म कर देगा और बरसात के दिनों में आसानी से मिल जाता है। और महिलाओं के लिए श्वेत पदार्थ की समस्या रहता है, वो भी ठीक हो जाएगा दोस्तों इस औषधि से जो मैं अभी बताने वाला हूँ। जो खरपतवार समझकर आदमी फेंक देते हैं, वो बहुत कीमती चीज़ है दोस्तों, आप सब उसे जानते होंगे। मैं अभी वीडियो में बताने वाला हूँ उसे, तो इसे देखकर आप पहचान में आ जाएगा आप सबको। तो बारी बारी से बताने वाला हूँ, हमारे वीडियो पर पूरा बने रहें, कंटिन्यू बने रहें, तभी उसका प्रयोग कर सकते हो दोस्तों। और वो आसानी से मिल जाता है, उसमें कुछ खर्चा भी नहीं लगेगा। और ऐसे समझते हैं लोग, तो अभी जड़ी बूटी को बहुत कम समझते हैं, लेकिन जड़ी बूटी में ही सबका समाधान है, सबका औषधि प्रयोग है, सभी बीमारी का इलाज हो जाता है। तो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है इसका औषधि, आप सबको बताने वाला हूँ। इसमें कुछ खर्चा भी नहीं लगेगा आप सबको, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहो। और हमारे चैनल पे नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि अगला वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि उसका भी भला हो सके। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहो। और आगे दिखाने वाला हूँ मैं नागबला के पौधे को, और नाम सुनकर ही जो लोग तो जानते हैं वो जान चुके होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं अच्छे ढंग से आप सबको बताने वाला हूँ, उस पौधे को परिचय कराने वाला हूं। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहो, चलो चलते हैं, वो आगे में है। और देख सकते हो दोस्तों, इस प्रकार से रहता है वो पौधा। और ये रोड के किनारे, मेड़ में या सड़क किनारे कहीं पर भी मिल जाएगा, नहर किनारे या खुले मैदान में भी मिल जाता है। ये बरसात के दिन में आसानी से उग जाता है, और इसके जो गुड़ नहीं जानते हैं वो खर पतवार समझ कर इसे फेंक देते हैं। तो ये बहुत ही गुणकारी है दोस्तों, ये बहुत ताकत बढ़ाता है शरीर में और कमजोरी को दूर ही कर देता है। जो पुरुषों की गुप्त समस्या की कमजोरी रहता है, गुप्तांग की कमजोरी रहता है, और उसमें से जो मज्जा निकलने लगता है पेशाब करते समय, उसमें मज्जा निकल जाता है ना, और जो बाहर तरफ जाते हो तो प्रेशर देने पर भी जो गुप्तांग से मज्जा निकल जाता है, तो उसके लिए बहुत ही गुणकारी औषधि है। तो इसे देखकर अच्छे से पहचान लो, इस प्रकार से रहता है नागपला। तो कमजोरी को दूर करने के लिए ना दोस्तों, आप इसका प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हो। इसके पत्ते का रस निकाल कर कम से कम 40-50 ग्राम इसका पत्ता का रस निकाल सकते हो, और उसमें थोड़ा सा मिश्री मिला सकते हो, और मिश्री मिला कर इसका सेवन कर सकते हो। और इसका लिकोरिया में भी बहुत उपयोगी है दोस्तों, जो महिलाओं को श्वेत पदर की समस्या रहता है, लिकोरिया की समस्या रहता है ना, उसमें भी इसके जड़ का पूरे पंचांग का प्रयोग कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा प्रयोग करते हैं इसका, हमारे खुद ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रयोग करके देख चुके हैं। तो ये वीडियो आपके समक्ष लेकर मैं आया हूँ। तो ये इसे तो देख कर लोग ऐसे ही खर पतवार समझते हैं और उखाड़ कर फेंक देते हैं। अभी के टाइम में तो तुरंत जाते हैं मेडिकल और वहां से दवा ले आते हैं, और जो कमजोरी की समस्या है उसे कुछ पल के लिए दूर कर देते हैं। तो जो औषधि फ्री में मिल जाता है, वो पैसा इन्वेस्ट करके जो लेकर आते हैं उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। इसमें पैसा खर्चा भी करना नहीं पड़ेगा आपको, इस नागबला के प्रयोग से आपको जो कमजोरी रहेगा, शारीरिक कमजोरी रहेगा, वो भी दूर हो जाएगा। मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ उसका प्रयोग करके आप अपना ताकत बढ़ा सकते हो, जो कमजोरी रहेगा उसमें बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा आपको। जो स्वप्न दोष की समस्या रहता है उसमें भी बहुत ही अच्छा काम करता है ये नागबला का पौधा। तो पत्ता इस प्रकार से रहता है, देख कर पहचान कर लो, और आसानी से मिल जाता है बरसात के टाइम में। तो इसका पत्ते का रस निकाल कर आप कम से कम 40-50 ग्राम इसका पत्ते का रस निकाल सकते हो, या 100 ग्राम तक निकाल सकते हो, तो 100 ग्राम तक निकाल लो। और इसमें
थोड़ा सा मिश्री ऐड कर दो और सुबह खाली पेट सेवन करने से ना आपकी जो समस्या रहेगा वो ठीक ही हो जाएगा दोस्तों। तो पुरुषों के लिए बहुत ही वरदान है, इस पौधे को अच्छे से देखकर पहचान कर लो ताकि आपका फायदा हो सके और कोई पैसा खर्चा ना करना पड़े। तो इसमें कुछ और नहीं मिलाना है, स्वाद के लिए इसमें मिश्री मिला सकते हो या कुछ नहीं मिलाना चाहोगे तो ऐसे ही ले सकते हो। इसमें स्वाद के लिए मिश्री मिला सकते हो मिलाना चाहोगे तो, और नहीं मिलाना चाहोगे तो इसे पी सकते हो। इसके पत्ते का रस या पूरे पंचांग का रस सभी इसके लिए फायदेमंद है दोस्तों, सभी का इसका प्रयोग कर सकते हो। और श्वेत पदर के लिए आप सबको बताने वाला हूँ मैं, तो उसे भी ध्यान से सुनते रहना और उसका प्रयोग आप खुद करके देख लेना। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट अभी नहीं होता है दोस्तों। पेड़ पौधे पर तो देवी देवताओं का निवास रहता है, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ जड़ी बूटी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है, एलोपैथिक एक बार कर देगा साइड इफ़ेक्ट, लेकिन जड़ी बूटी कभी नहीं साइड इफ़ेक्ट करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा दोस्तों। तो इसका श्वेत पदर के लिए मैं बता देता हूँ, महिलाओं के लिए श्वेत पदर की जो समस्या रहता है ना, तो वो भी इसके पत्ते का या पूरे पंचांग का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं या इसका रस निकाल कर पी सकते हैं। काली मिर्च मिला सकते हैं स्वाद के लिए, या मिश्री काली मिर्च या मिश्री दोनों मिला सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो काली मिर्ची या मिश्री मिला सकते हो आप, और इसे कम से कम एक सप्ताह तक सेवन करोगे तो श्वेत पदर की जो समस्या रहेगा वो ठीक हो जाएगा दोस्तों। जो श्वेत पदर होता है महिलाओं का वो तो ठीक हो ही जाएगा, बहुत ही अच्छा फायदा करता है। 8 दिन 10 दिन भी सेवन कर सकते हो, और इसका तो 2-3 दिन ही सेवन करने में पता चल जाएगा, लेकिन आप पूरा 10 दिन तक इसका प्रयोग कर लिए तो जड़ से ख़त्म हो जाएगा और कभी नहीं होगा श्वेत पदर की समस्या। तो इतना बड़ा जानकारी आप लोग नहीं जानते हैं तो आज के वीडियो में जान लिए हो तो इसका प्रयोग कर सकते हो दोस्तों। और जो जिसके साइड में नहीं मिलता है तो इसे उखाड़ कर ले जा सकते हैं और सुखा कर इसके जड़ का भी प्रयोग उसी प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार पत्ते इसके पूरे पंचांग का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार इसके जड़ का भी प्रयोग आप कर सकते हो श्वेत पदर के लिए। और जो पुरुषों की समस्या रहता है उसके लिए भी, और पेशाब में जो जलन होता है ना, तो इसके जड़ का एक गिलास शरबत बनाकर पीने से जो जलन होता है वो भी ठीक हो जाता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा फायदा करता है। और जो स्वप्न दोष और धातु के बीमारी रहता है वो भी ठीक हो जाता है दोस्तों इस प्रकार से प्रयोग करने से। तो इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हो और ये सूखा भी सकते हो, इसे सूखा कर भी इसके पत्ते का चूर्ण बनाकर भी प्रयोग कर सकते हो और इसके जड़ का भी प्रयोग कर सकते हो। आपको जैसा भी अच्छा लगे उस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हो आप सब दोस्तों। तो आज के जानकारी वीडियो आप सबको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और नए से नए जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अगला वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके नया से नया जानकारी। तो हर रोज़ मैं देता रहता हूं दोस्तों, और किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और दोस्तों आज के जानकारी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय छत्तीसगढ़।